विक्रांत, आई मीन डॉक्टर सक्सेना यहाँ नहीं है। पर तुम कौन बोल रही हो? और रात के 3 बजे हमारे हस्बैंड का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नर्स बोल रही हूँ। डॉक्टर सक्सेना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केस हैंडल कर रहे हैं। ओके, फ्री होते ही उन्हें कहिए हमें कॉल करने के लिए। क्या हुआ दीपिका, इतनी रात को किससे बात कर रही थी? तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था। मेरी वाइफ से? उसे तुम्हारे फोन पे कॉल किया था। मुझे लगा था कि ये मेरा फोन है, नींद में, तो मैंने पिकअप कर लिया। गेस व्हाट, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सच नहीं बोला है। दिस इज व्हाट यू डू। फिर से तुम मेरी जिंदगी में आए और फिर वही चीजें करने को बोल रहे हो जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? नहीं, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। मैं फिर से वो इंसान बन रही हूँ जो मैं नहीं बनना चाहती हूँ। इनफ, इनफ। विक्रांत, तुम्हारी वाइफ को सब कुछ सच पता होना चाहिए। तुम डिसाइड करो, तुम बताओगे या मैं बताऊं? आप यही तो नहीं ढूंढ रहे डॉक्टर परांजी में? यस, मेरा स्टेथोस्कोप। सॉरी पर मैं आपको नहीं दे सकता। गिफ्ट मिला है मुझे, मेरे पापा ने दिया है मुझे। उन्होंने जितना कुछ अचीव किया है ना लाइफ में, ये स्टेथोस्कोप उसकी निशानी है। उन्होंने कहा है कि मैं इसके लायक हूँ, उनकी है। मैं भी एक दिन उनकी तरह बड़ा डॉक्टर और सर्जन बन के दिखाऊंगा। एक दिन गर्व होगा उन्हें मुझ पे। हॉस्पिटल काम पे ऑब्वियसली। रियली? तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर काम पे जा रही हो? तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब काम वाम छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ बैठी रहूंगी? क्यों? ठीक है जाओ, लेकिन मैं ब्रश कर लेता हूँ, एटलीस्ट नाश्ता तो साथ में कर पाएंगे। नहीं, मैं कैंटीन में कर लूंगी। व्हाट, मतलब तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया? क्रांत, मैं लेट हो रही हूँ। दीपिका, तुम तो कैंटीन में नाश्ता कर लोगी, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हें पता है ना मुझे कुकिंग नहीं आती है। ये एक और वजह है अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताने की। उसे यहाँ मुंबई बुलाओ, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं ऑर्डर कर लूंगा, राइट? विक्रांत, कल रात जो मैंने कहा था ना तुमसे, आई रियली मीन इट। जब सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो एक बार मेल करके मुझसे अप्रूवल ले लो। हेलो। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए फोन नहीं किया, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने दोनों दवाइयां टाइम से ले ली थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम टेंशन मत लेना। सॉरी, मुझे कॉल करके पूछना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, पर मैं पर तुम बिजी थी ना। पता है बाबा, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लेना। तुम अपना काम करो अच्छे से, मैं जब तक टीवी देख लेता हूँ। बाय। ओह गॉड, मॉर्फिन काम नहीं कर रही है। नाइट्रोग्लिसरीन 5 mcg पर मिनट दीजिए, कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन वाया नॉन अब्सॉर्प्टिव ट्यूबिंग। अगर बढ़ाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? डॉक्टर साठे, आपने प्रिस्क्राइब करने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इट इज़ एन इन्फीरियर वॉल MI, कार्डियो का केस है। मैंने डॉक्टर शेट्टी से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब कर लिया है। हमें इस केस में आपकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर सिन्हा। थैंक यू।
डॉक्टर साथे, मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे कैबिन में आएंगे? ना डॉक्टर सिन्हा, मैं बिजी हूँ, रिधिमा को मुझे कार्डियो लैब में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर सिस्टर कर लेंगी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आइए, वी नीड टू टॉक। आइए। अभी आपको बात करनी है दीपिका। पहले जब मैंने अपनी दिल की बात आपसे कही तभी तो आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, तो फिर आप क्यों बोलना है? अबे मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। तुम अचानक से ऐसे अब सब कुछ बोल दोगे? मैं थोड़ी ना घर से सोच के आई थी ये सब, राइट? अचानक नहीं है दीपिका, अचानक नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया है, राइट? एक दूसरे को ठीक से जाना है। अब घर आई थी मेरे, जिस तरह आपने आई को हैंडल किया, उस दिन पहली बार मुझे आपके लिए ऐसे कुछ अलग सा फील, समथिंग डिफरेंट। बहुत दिनों से मैं अपनी इन फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, कभी इसे इग्नोर करने का ट्राई कर रहा हूं। इनफैक्ट सिया के साथ एंगेजमेंट करने के बाद मैंने अपनी इस फीलिंग को खत्म करने की कोशिश की, आपसे दूर जाने का ट्राई किया, बट नहीं हो पा रहा था मेरा। इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, द फीलिंग्स आर देयर। आप समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं? प्लीज टेल मी कि जो मैं फील कर रहा हूं वो मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूं, वो एक तरफा नहीं है। आप भी मेरे लिए सेम फील करती है, हम दोनों के बीच में जो है वो म्यूचुअल है, राइट? कुछ तो है ना हमारे बीच में दीपिका? नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।